Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to a new gameplay series. तो आज से हम लोग खेलने जा रहे हैं एक नया गेम Bully. तुम सब लोग को GTA तो पता ही होगा. तो गाइस ये गेम भी GTA है बट स्कूल लाइफ का. इस गेम में हमारा कैरेक्टर एक हॉस्टल में पढ़ाई करता है और उसका ड्रीम है कि उसे हॉस्टल का सबसे बड़ा डॉन बनना है. मतलब बच्चे स्कूल जाते हैं कि पढ़ लिख के डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पायलट बने, बट इसका ड्रीम है डॉन बनना. वैसे तो ये गेम मैंने कुछ साल पहले भी खेला था बट कंप्लीट नहीं करा था, तो इसीलिए हम लोग दोबारा एकदम शुरू से इसे खेलने वाले हैं. तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से चलते हैं स्कूल में. ऑलराइट गाइस, तो गेम स्टार्ट हो चुका है. मैंने आप लोग को थोड़ा सा स्टोरी एक्सप्लेन कर देता हूँ. अभी आपने देखा होगा एक गाड़ी हमें इस स्कूल के बाहर छोड़कर जा चुकी है. उस गाड़ी में हमारे मॉम डैड थे जिन्होंने हमारा एडमिशन इस स्कूल में करा दिया. बाय द वे इसे स्कूल नहीं, इसे हॉस्टल बोलना चाहिए. बाय द वे हमारी मैम आ चुकी है अंदर से हमें स्कूल के अंदर ले जाने के लिए. लेट्स गो. बुलवर्थ एकेडमी में हमारा एडमिशन हो चुका है. ये कह रहा है कि हमें इस स्कूल में बहुत मजे आने वाले हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है. इस स्कूल में बहुत ज्यादा खतरनाक बच्चे हैं. मैं बिल्कुल खुश नहीं रहूंगा. ठीक है, प्रिंसिपल बुला रहा है मैं हॉस्टल के अंदर. चलो भाई, ये वाली मैम भी कुछ ज्यादा ही डेंजर लग रही है मुझे. बाय द वे अपनी एंट्री हो चुकी है इस एकेडमी में. बुलवर्थ एकेडमी नाम है और देखो भाई कितनी ज्यादा बड़ी है. वैसे एक सेकंड, यहाँ से ना बाहर निकलना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है. दरवाजे देखो अभी से ही बंद हो गए हैं. तो सबसे पहले हमें जा रहे हैं प्रिंसिपल के ऑफिस में, क्योंकि एडमिशन हुआ है तो भाई वहाँ जाना बनता ही है. बट कुछ एक सेकंड क्या होगा भाई, वह दिमाग की दही नहीं करनी भाई. ठीक है ना, निकल यहाँ से और तू इधर आ. इस गेम में भाई हम लोग से कोई भाई मैटर हो गया बहुत ज्यादा गलत. तीन बंदे एक साथ चढ़ चुके हैं मेरे पे. रुक जाओ, मेरा अभी देखो लड़ने वड़ने का मन नहीं है. ये देखो सर मेरे को मार रहे हैं. ओ भाई उसने क्या घुसंड मारा मेरे. बट ठीक है, इसको यहाँ पे सर ने पकड़ लिया मुझे. ओए भाई ये बंदे ने तो टीचर को ही मार के भाग गया. मैं बोल ही रहा था इस स्कूल में भाई बहुत ही शैतान बच्चे रहते हैं. बट ठीक है, अपने को पंगा तो लेना ही है इनसे. इधर अबे उस टाइम अपने दोस्तों के आगे बहुत ज्यादा बोल रहा था, अभी इसको बताते हैं. अब बोल फालतू, जल्दी 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 खड़े इधर. ज्यादा शाणा पंती नहीं करनी हमसे. इधर निकल यहाँ से, इधर आ, इसको दीवार में ले जाके भेड़ो. ले निकल यहाँ से. अपने ये सोच रहे कि कोई शरीफ बच्चे का एडमिशन हुआ स्कूल में, पहले दिन इसकी पिटाई कर देते हैं. पर इनको पता नहीं है भाई जिमी हॉकिंस इस स्कूल का डॉन बनने वाला है. खैर ठीक है, सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफिस में जाना है तो जल्दी से हम लोग चलते हैं. भाई बहुत ज्यादा बड़ा स्कूल है, आप दूर दूर तक जो देख रहे हो ना. वेट एक सेकंड रुको, मैं आपको ना मैप ही दिखाता हूँ स्कूल का. ये देख रहे हो, ये पूरा का पूरा स्कूल का मैप है. इतनी बड़ी बिल्डिंग है, उतनी ज्यादा चीज है. हमें इस स्कूल में जिम करना है, आर्ट क्लास है, मैथ क्लास है, सब कुछ है. लेट्स गो गाइस. तो मैं आ चुका हूँ अभी मेन बिल्डिंग में जहाँ पे प्रिंसिपल ऑफिस है और सारे के सारे क्लासरूम है. हमें इस गेम में ना भाई सिर्फ मस्ती नहीं करनी, पढ़ाई भी करनी पड़ती है, वरना हम जो है ऊपर क्लास में नहीं जा पाएंगे और फिर ऐसे फेल होंगे तो बहुत ज्यादा बेइज्जती भी होगी स्कूल में. बाय द वे ये है प्रिंसिपल ऑफिस, यहाँ पर हमें अंदर चलकर प्रिंसिपल से बात करनी है और एडमिशन वगैरह करवाना है. लेट्स गो. यस सर, हमारा नाम इस गेम में जिमी हॉपकिंस है. भाई हमारे पेरेंट्स सारी चीजें लिखवा के गए कि हम कितनी ज्यादा फालतू चीजें करते हैं. भाई ये अभी मारेगा क्या भाई, हमारा प्रिंसिपल है. लेट्स गो. ओके गाइस, तो भी प्रिंसिपल ने ना बहुत ज्यादा ज्ञान दे दिया कि मैं तुम्हें इस स्कूल से इस एकेडमी से एकदम सुधार के भेजूंगा, चाहे तुम कितने भी बिगड़े हुए हो. खैर ठीक है, देखते हैं कि वो हमें सुधारता है या फिर हम इस स्कूल को सुधार देते हैं, वो तो देखा जाएगा. बाकी अभी हम लोग यहाँ. तेरी भाई केले का छिलका किसने खा के फेंका था? तू मोटे, तू इधर आ, इधर इसको पकड़. तूने बुक, मैंने इसकी बुक छीनी, सॉरी. तूने फेंका ना केले का छिलका, इधर आ, इसको भी केले के छिलके पे गिराऊंगा मैं कहीं ना कहीं. अबे ओए सॉरी सॉरी, मैंने लड़ाई नहीं की, मैं उसको बस केले के छिलके पे से गिरा रहा था. मैं यार बहुत ज्यादा डेंजर है यार स्कूल में बंदे. खैर ठीक है, अभी मेरा टास्क है कि मुझे बॉयज डॉर्म में जाना है. जहाँ पे मुझे रहना है ना वहाँ पर चलते हैं फटाफट से. वहाँ अपना बेडरूम वगैरह होगा, जल्दी से चल के देखते हैं भाई क्या सीन है. लेट्स गो. ये पूरी की पूरी एकेडमी है और बॉयज डॉर्म का रास्ता है सामने जाकर, जहाँ से हम लोगों ने एंट्री करी थी. तो सीधा भाग के चलते भाई, बहुत ज्यादा लड़ाई वड़ाई होने वाली है. हमारा नया एडमिशन हुआ है, सबको लगता है हम लोग बहुत ज्यादा शरीफ हैं और सारे हमें मारने कूटने में लगे हुए हैं यार. बाकी हाँ यार, एक तो ना मुझे पहले स्कूल का यूनिफॉर्म पहनना पड़ेगा. मैं पूरा जीन्स जैकेट वैकेट पहन के घूम रहा. इसने उल्टा क्या बोला भाई, इधर आइयो, तेरे को केले के छिलके पे दोनों गिर गए. बेचारा डर के भाग गया. ठीक है ठीक है ठीक है यार, ज्यादा मस्ती वस्ती नहीं करनी. तो ये है बॉयज डॉर्म और इसी के एकदम अपोजिट में वो है सामने पूरा गर्ल्स डॉर्म जिसमें लड़कियां रहती है. तो ये दोनों सेपरेट बना रखा है, बहुत अच्छी बात है. अभी एक मिनट भाई, यहाँ पे तीन चार लड़के खड़े हुए और शायद से ये वही तीन लोग है जो हमें गेट पे मिले थे. लड़ाई वड़ाई हो चुकी है. ओ तेरी, ओए अबे अबे, एक मिनट रुक जा. पंगे नहीं, आ जा, मार मार मार. अब इसके पड़ेंगे. ले भाई तो थोड़ा सा तगड़ा है, ब्लॉक कर रहा है भाई. ये देखो मैं मार रहा हूँ तो ये ब्लॉक कर रहा है. इसको पकड़ के ना अभी गिराना पड़ेगा. ये अब ब्लॉक कर, एक सेकंड रुक जाओ, इसको लेके चलते जब निकल. इधर उठ उठ, इधर इसको दीवार पे लेके चलना पड़ेगा भाई. रुक जाओ, दीवार पे भिड़ा के मारने का मजा अलग है. खड़े हो खड़े हो खड़े हो, इधर आ, ये ले वापस खड़े हो, इधर निकल आ, उठ उठ उठ. ये अब इसके देते हैं एक बढ़िया वाला. ले चल चल भाई, अभी और मारने का मन नहीं है, मर मुरा जाएगा. सही बता रहा हूँ, नहीं मानेगा. फिर से उठ के मैं, अबे भाई कितना पिटना जा रहा है तू. इधर आ, तू ले
इसको अभी रुक जाओ, इसको और मारना पड़ेगा। डर के भाग गया बेचारा अभी। चलो इसको तो हमने लपेट दिया, बाकी ये क्यों है भाई, ये शायद से, ओ भाई ये तो पूरा जायंट सा है, हल्क जैसा। ओ भाई ये तो कुछ ज्यादा खतरनाक, वो सही है इस टीचर ने मुझे बचा लिया उससे। भाई वो तो मेरे को मार नहीं आ गया था, अभी इसने मेरे को बोला कि यूनिफॉर्म पहन के आना है। ये कोई तगड़ा बंदा है, ये शायद से गैरी है, ये हमारा दोस्त बनना चाहता है। शायद से इसने हमें बाहर लड़ते हुए देख लिया था, इसलिए चाहता है कि हम लोग इसके दोस्त दोस्त बन जाएं। बाकी अबे यार क्या पागल है, बेमतलब मार रहा है कुछ इधर आती है, इसमें बैठ तू, दिमाग खराब कर रहा है। अच्छा खासा मैं खड़ा हूँ भाई, किसी अबे क्या हो गया भाई, अरे तू कुछ कह रहा हूँ क्या, मैं है इधर कुछ कह रहा हूँ, कुछ कह रहा हूँ। ओ भाई मत मारो यार, रुक जा, मैं छोड़ दो भाई, मुझे जाने दो, मैं जा रहा हूँ, मेरा रूम है, हट जा, हट हट, मुझे अंदर जाना, मेरे रूम में आना अलाउड नहीं है, मेरे रूम में मत आ जाना कोई। भाई इन्होंने मेरे को मार कूट डाला यार, कुछ हेल्थ ही नहीं बची है, बहुत ज्यादा दिमाग खराब कर दिया है। कसम से रुक जाओ, पहले मैं अपनी ना ड्रेस चेंज कर लूं, मैं ड्रेस कहां चेंज करता हूं, स्कूल ड्रेस यार, मुझे पहले यूनिफॉर्म खरीदनी पड़ेगी क्या स्कूल की। बाय द वे मेरी ना हेल्थ बहुत ज्यादा कम है, मुझे चल करना यहां से, ये सोडा पी लेना चाहिए, इससे मेरी हेल्थ बढ़ जाएगी। तो मतलब यार कूट डाला है बंदों ने, अपने पास कीमती के $50 है। ओके तो मैंने भी ये मस्त पी लिया है। बाकी ये जो गैरी है अपना नया दोस्त, जो कि अभी पता नहीं पर जा चुका है, ये खड़ा, तो ये मुझे कह रहा है कि मैं ना फटाफट से अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म पहन लेता हूँ, ताकि लोग मेरे से ज्यादा पंगे वंगे ना ले, लोग देखते हैं ना मैं बाहर से आया हूँ तो उन्हें समझ आ जाता है, तो मैं अपनी स्कूल की मस्त आउटफिट पहन लेता हूँ। ये अपनी स्कूल आउटफिट भाई, जो कि बहुत ज्यादा ही प्यारी है। चलो भाई डन सीन, स्कूल आउटफिट हमने पहन लिया है, डे वन काफी ज्यादा याद आ रही है शायद से घर पे मम्मी की। ये कौन है भाई, ये अपना नया दोस्त, सच में अभी ये देखना मैं पूरा बिगाड़ने वाला है इस गेम में। तो देखो गाइस अपना नया नया एडमिशन हुआ है, तो कुछ बंदे हमसे लड़ने आ रहे थे और कुछ बंदे अभी दोस्त बनने भी आ रहे हैं, क्योंकि हमने तीन चार बंदों को अकेले पीट डाला है भाई यार, तो थोड़ी तो इज्जत विज्जत मिल चुकी है स्कूल में। बाय द वे मैं देख रहा हूँ यार, अभी जो भी बंदा मेरे अगल बगल से जा रहा है ना, थोड़ा खूरता हुआ जा रहा है। तो कुछ बोला मैंने, उल्टा कैसे बोला तूने, यही मारूंगा गंदी तरह, उठ जा, पंगे नहीं, मैं तो छोटे मोटे बंदे हमसे लड़ाई कर रहे हैं। इसकी ऐसी की तैसी, इधर आते वो बंदे को सिलेंडर ही मारूंगा इसके, इधर अब बोल 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 बोल, निकल यहाँ से, फालतू पंगे नहीं लेने बेटा किसी को। इस स्कूल में मतलब बहुत ज्यादा ये सब चीजें हैं कि जो बड़े स्टूडेंट्स हैं वो छोटे स्टूडेंट्स को परेशान करते हैं, क्योंकि गेम का नाम ही भाई बुली है। चलो भाई तो अभी सबसे पहले हमें जाना है मेन बिल्डिंग में, शायद से अपनी आज कोई ना कोई क्लास होगी, वरना चल के पता कर लेते हैं भाई कौन सी चीज का पीरियड लगा हुआ है, उसी क्लासरूम को अटेंड करेंगे। ओ भाई 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 इधर तो भाई गंदी लड़ाई चल रही है, एक बंदा पीट दिया भाई इन दोनों ने। ये जो व्हाइट टी शर्ट वाले बच्चे हैं, ये थोड़े से तो डेंजर है, मतलब अभी के लिए, मतलब ये थोड़ी सी हाई क्लास के, इसलिए छोटे बच्चों को थोड़ा तंग कर रहे हैं लोग। और ये रहा गैरी भाई, गैरी के पास आना था हमें। ओके ये हमें पूरा का पूरा स्कूल घुमाने वाला है कि आखिरकार स्कूल में क्या क्या हरकत है। किसके पास ले आई, तो उसी के पास ले आया। एक मिनट क्या हो गया भाई, ये मोटा लड़का यार हमें तंग करने आ चुका है, और ये शायद से कुछ तो पंगे लेना चाह रहा है, ये चाहता है कि हम लोग इसके रिस्पेक्ट करें। भाई एक सेकंड यार, इसको हमें कुछ पैसे वैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि ये अपनी डोन पंती दिखा रहा है भाई आते, लेकिन रुक जा, एक ना एक दिन आएगा इसको हम लोग जरूर पीटेंगे भाई। आज इसने हमसे चोड़ा मोड़ा होकर हमसे हमारे कुछ पैसे लेकर चला गया भाई। ये कह रहा है कि अभी ना तुम एक काम करो, ये तुमसे भले ही पैसे चुरा कर गया, इसका ना लॉकर है वाला, तुम इसका लॉकर तोड़ के पैसे निकाल लो। भाई ये सच में गैरी हमें बहुत बिगाड़ने वाला है, तुम्हें इसका लॉकर तोड़ना है, पता नहीं कैसे टूटेगा, घुमाते रहते हैं, कुछ अब आइडिया नहीं है। इधर लेफ्ट वो खुल गया, देखते हैं हमें कितने पैसे मिलेंगे। हमने चुराए हैं पैसे, बट हमें एक जैकेट मिली है, बट कोई बात नहीं, कुछ तो मिला ना भाई, नुकसान नहीं हुआ ज्यादा। ओके तो ये कह रहा है कि ध्यान रखना, ये जो रेड डॉट्स है इसका मतलब है कि टीचर आएंगे। ओके भाई इसके पीछे तो पड़ गए भाई टीचर, हम भी वहां से भाग लिए हैं फटाफट से, बच के रहना है भाई इन सब लोगों से। ओके तो कह रहा है कि इस कूड़े के डब्बे के अंदर हम लोग छुप भी सकते हैं, ओ छुपे छुपे हम लोग देख भी सकते हैं कि अगल बगल कौन क्या कर रहा है। ये देखो भाई एक टीचर, ओए भाई यहाँ पे सच में बच्चे बहुत खतरनाक है, बताओ टीचर को मार के वो क्लासरूम में घुस गया। ठीक है मैं अभी सेफ हूँ, मैं बाहर निकल लेता हूँ, मेरे को भी वापस से गैरी के पास चलना है। चलो भाई ये भी हमें लेकर और कहीं जाने वाला है, ये हमें पूरा स्कूल घुमाएगा दिखाएगा कि आखिरकार से स्कूल के क्या रूल्स है, कहाँ पर क्या होता है, सब कुछ हमें बताने वाला है। लेट्स गो भाई, आज देखते क्या क्या क्या। ओ एक सेकेंड, तो ये लड़की रो रही है बहुत ज्यादा, और गैरी कह रहा है कि मैं इससे बात करूं। मैं इससे क्या बात करूं भाई। ओके गाइस तो अभी ना इस लड़की की जिसने चॉकलेट चोरी करी है, हमें वो चॉकलेट वापस लेकर आनी है। वो लड़का शायद से भाग के बॉयज वॉशरूम में गया है, तो चल कर उसकी कुटाई करते हैं और इस लड़की की चॉकलेट इसे वापस ला कर देते हैं। बेचारी रो रही थी बहुत ज्यादा, तो हेल्प हमें कर देनी चाहिए, क्योंकि हम लोग इस स्कूल के भी नए डोन है, जो कि थोड़े बहुत अच्छे काम करके हीरो बन जाएंगे भाई। ला भाई चॉकलेट इसी ने ली थी, बेचारे को चार मुक्के में गिरा दिया। चॉकलेट दे भाई। चलो भाई चॉकलेट हमने इससे
बस तो एकदम चुरा लिया, मतलब मार कूट के ले लिया। अभी चलते हैं इसकी चॉकलेट, लड़की की चॉकलेट वापस देने के लिए। भाई वैसे यहाँ पर ना स्कूल में टीचर वगैरह बहुत घूम रहे हैं, तो जब भी मैं किसी से फाइट कर रहा हूँ या फिर कुछ भी मैटर हो रहा है तो मुझे टीचर्स का ध्यान रखना है, ऐसा गैरी ने मुझे कहा था, वरना कभी कभी बहुत ज्यादा बुरी पनिशमेंट मिल जाती है। हमने इसे चॉकलेट लाकर दे दिया और ये पैसे वैसे, अरे पैसे, अरे भाई ये नहीं भाई, छी छी भाई, आते ही पहले दिन ही क्या देखना पड़ गया। बट कोई बात नहीं, छोड़ा भी तू जाए यहाँ से, अभी हमारा बिगड़ने वाला चैप्टर यहाँ से चालू हो चुका है थोड़ा बहुत। हमने 3-4 बंदे को कूट वूट दिया। अरे गैरी हमें कहाँ कहाँ लेके जा रहा है भाई, हमें कहाँ लेकर आ चुके हैं, कैफेटेरिया में ले आया। ओके ओ भाई, तो यहाँ पे कुछ बच्चे, ये नर्ड्स हैं जो पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ा प्रोजेक्ट्स पे बैठे हुए भाई, और ये है थोड़े से प्रेप्स, मतलब वो एकदम शरीफ थे, ये इनसे थोड़े से एक लेवल ऊपर के, और उनसे भी एक लेवल ऊपर के ये है भाई। भाई ये तो सच में ऐसे लग रहा है कि लड़ाई होगी तो भाई छोड़ने नहीं वाले। जॉक्स भाई साहब, गैरी कह रहा है कि स्कूल एक्चुअल में ये लोग चला रहे हैं, इनसे पावरफुल कोई नहीं है, तो हमें हमेशा अभी इनके नीचे ही रहना है, इनके दिख जाए तो इनसे दूर ही रहो बेटर है। चलो भाई अभी स्कूल की बेल बज चुकी है, यानी हमें क्लासरूम में जाना है। लेट्स गो भाई, अपना फर्स्ट क्लास लग चुका है। जो बेल का साइन है ये हमें बताएगा अपनी कौन सी क्लास है, एक बार मैप में चेक कर लेते हैं। मॉर्निंग क्लासेस स्टार्ट एट 9 AM to 11:30 और हमें लेफ्ट में क्लॉक मिल चुका है जहाँ पे हमें टाइम वाइम सब कुछ देखते रहना। भाई सच में स्कूल लाइफ चालू हो चुकी है भाई, डोंट बी लेट, गेट टू क्लास बिफोर 9:30 AM। लेट्स गो भाई, मुझे नहीं मालूम किस चीज का क्लास है, बट ऊपर वाले फ्लोर पे है कि नीचे वाले फ्लोर पे है, नहीं नीचे वाले फ्लोर पे है। भाई इतना ज्यादा बड़ा स्कूल है, आधी कंफ्यूजन तो ऐसी ही होने वाली है कि भाई क्लासरूम है कहाँ पर, कितनी दूर चल के जाना है, कहाँ जाना है। बाय द वे ये केमिस्ट्री की क्लास है, चलते हैं भाई, लेट्स गो। पढ़ाई चालू हो चुकी है अपनी भाई, हम लोग क्लासरूम में आ गए भाई, ये हमारा केमिस्ट्री वाले सर है और प्रॉपर लैब में हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करने आए गए भाई। चलो हमें अभी बस कुछ ऐसे कॉम्बोज मार रहे हैं ताकि अपनी क्लास एकदम परफेक्ट जाए। A W D S D S D T भाई डी हो गया, कैसी एक्सपेरिमेंट। चलो भाई आज थोड़ा सा इजी था, और हम लोगों ने बम बनाना सीखा है भाई, ये देखो मेरे हाथ में फायर क्रैकर आ चुका है, तो जितनी ज्यादा मैं क्लास अटेंड करूंगा उतनी ज्यादा चीजें मैं बना बना पाऊंगा। बाकी बम बनाया है तो क्यों ना ट्राई भी कर लिया जाए। यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, इनके ऊपर फेंक दूं क्या, इनके ऊपर फेंकना कैसे है मेरे को बम, ओ भी सिलेक्ट हो गया यार, मुझे ना समझना है कि बम मैं फेंकू कैसे, बट छोड़ो अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी ना अपनी दूसरी क्लास चालू हो चुकी है और मुझे बिल्कुल लेट क्यों ना, मुझे पढ़ने दे यार, क्यों लड़ने आ रहा है, परेशान मत कर यार, मैं तेरे को बाद में देखूंगा बेटा, तेरी शक्ल याद कर ले तो मेरे से बाद में भिड़े हो। बाकी ठीक है अभी फटाफट से हम लोग एक बार ना ऊपर वाले फ्लोर पे चलते हैं, यहाँ पे नहीं ये तो प्रिंसिपल ऑफिस है आई थिंक, अभी हमें ना बाहर जाना है, अभी अपनी कोई क्लास नहीं है, अपना कोई ना कोई मिशन या टास्क है जो कि है यहाँ पे, तो इधर आ जाते हैं। चलो प्रिंसिपल के साथ आए भाई बातचीत करने हम लोग, तो अभी अपनी प्रिंसिपल से थोड़ी बहुत बहस हो चुकी है। ओके अबे 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 भाई हमें कुछ उल्टा उल्टा बोल कर गया, और उसके हाथ में मैंने कुछ तो देखा था भाई, भाई 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 वो कितनी तेज भाग रहा है भाई वो। बाकी हाँ मुझे इसको भी पकड़ना है, अपना यही टास्क है, और शायद से हमें कहीं पर तो लेकर जाना चाह रहा है, मुझे पता डर क्या लग रहा है कि कहीं वो हमें भगा कर अपने बाकी दोस्तों के पास न ले जाए, मैं अकेला पड़ जाऊंगा, वो 3-4 हो जाएंगे और मैटर हो जाएगा, और वही हो रहा है भाई। तेरी ऐसी की तैसी यहाँ पर बेटा, तेरे को ना मैं ऐसा मारूंगा, इधर तो दीवार में भिड़ा के ले। अब बोल फाल निकल। चलो अभी चलते हैं ऑटो शॉप में एक बार, ये दरवाजा लॉक्ड था बट खोल दिया हमने। अबे कहाँ जा रहा है भाई, रुक जा, डर भी रहा है, पंगे भी लेने हैं, समझ नहीं आ रहा मुझे इसका सीन। भाई वो अपने सारे दोस्तों के पास ला रहा है मुझे एक एक करके, एक से लड़ाई हुई दूसरे पे भाग गया, और वो वही वाला बंदा जिससे अपनी फाइट हुई थी। यहाँ से चलते हम लोग, ये खोल भाई, कितना बड़ा स्कूल है, इधर निकल यहाँ से, उठियो मत, नहीं मानेगा तू, नहीं मानेगा, इधर लेटाऊंगा इसको लेटाता हूँ, इधर चल, उठ 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 निकल। भाई भागे जा रहा है वो बंदा, अबे तो और आ गए, मैं बम फेंक दूंगा, मुझे पता नहीं है बम फेंकते कैसे हैं, बट तुम्हें अभी मैं मुक्के से निपटाता हूँ, एक और ला देना, निकल तू इधर, निकल तू इधर, मेरे को यहाँ पर थोड़ा, अरे इसके तेज वाले मुक्के देने पड़ेंगे। गाइस मुझे पता है जिम क्लास भी जाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे मैं जिम क्लास अटेंड करूंगा ना मेरी फाइटिंग स्किल्स और भी ज्यादा इंप्रूव होती जाएगी। बाय द वे अपनी एक नई क्लास लग चुकी है, पर ये बंदा, ओए तेरी ऐसी की, ओ भाई सीढ़ी गिरा दी, इसको मारूं कैसे, अरे यहाँ पर कुछ वेपन्स पड़े हैं, मुझे ये उठा के फेंक के मारने हैं क्या, ये करा मैंने, टारगेट करना है ना इसे, ये फेंकू कैसे, रुको, ओके मुझे पता लग गया कैसे मारना, ऐसे फेंक सकता हूँ मैं इसके ऊपर, कुछ भी फेंकना है, ये फेंका मैंने, बम फेंक दिया भाई उसके ऊपर, गिर गए, इतनी देर से मैं फायर क्रैकर कहीं यूज करना चाह रहा था। लेट्स गो भाई, हमें स्लिंग शॉट मिल चुका है, उसके हाथ में यही था, मैं पंगे लेकर भागा था यार। चलो गाइस तो अभी यहाँ पर अपना चैप्टर सी हो चुका है, बाकी एक बार ना मैं मैप में चेक कर लेता हूँ, ये देखो स्कूल में ना दिखा रहा है एक क्लास है, ये बेल का आइकन क्लास दिखाता है, तो भाई भाग के चलते हैं यार, ये लोग ना मुझे पढ़ने वढ़ने देते नहीं है, खाली पीली लड़ाई हो गई मेरी। अभी यहाँ पर कुछ ज्यादा डेंजर बच्चे आ चुके हैं इस एरिया में, मुझे ना चुपचाप यहाँ से भाई भाग के निकल लेना चाहिए जहाँ से मैं आया था उधर कोई, और इस एरिया में ना शायद से स्टूडेंट्स का नॉर्मली आना अलाउड नहीं है, तो मैं चुपचाप यहाँ से ना जितना हो सकता, अरे सर सॉरी सॉरी जा रहा हूँ मैं क्लास में ही जा रहा हूँ, मैं कसम से वहीं जा रहा था, अरे यार कुछ
से जाने दो मुझे, भागने दो मुझे। मुझे मालूम भी नहीं है भाई किस चीज की क्लास है, बट ठीक है ग्राउंड फ्लोर पे है, मुझे ऊपर वाले फ्लोर पे भी नहीं जाना। और ये वाली क्लास है इंग्लिश की, चलो भाई लेट्स गो, इंग्लिश क्लास अटेंड करते हैं। तो ये है हमारे इंग्लिश के टीचर और ये है इंग्लिश क्लास का क्लासरूम। सारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं यहाँ पे, चार पांच ही स्टूडेंट है क्या पूरी क्लास में। क्रिएट एज मेनी वर्ड्स एज यू कैन बिफोर क्लास एंड्स, मूव कंट्रोल्स हैं। ओके ठीक है ठीक है ठीक है, अभी चालू करते हैं। मुझे ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स बनाने, इससे कैसे बनेंगे। आउल बन रहा है ओ, अरे ओ टैप ओ ओ ओ एंटर, ओके सिलेक्ट के लिए ओ डब्ल्यू एल एंटर, ठीक है आउल हो गया, लो हो जाएगा एक एल ओ डब्ल्यू एंटर, अरे नहीं बैक करना है, अरे यार अच्छा ऐसे एल ओ W एंटर right. और क्या बनेगा, मियो मियो वर्ड होता है कुछ, फिर ऐसा कुछ वर्ड तो बन रहा है मुझे दिख नहीं रहे बस। M E O, अरे ये क्या टाइप हो गया, M E O, अरे यार M E O एंटर नहीं भाई, बहुत सारे वर्ड्स बन चुके हैं मुझे समझ क्यों नहीं आ रहे। लॉल बन रहा है बट वो तो यार शॉर्ट फॉर्म है ना, नहीं मी बन रहा है भाई मी, अच्छा इतना शॉर्ट वर्ड नहीं काउंट होगा भाई। मेलो मेलो बन रहा है, एम ई एल एल ओ डब्ल्यू एंटर, लेट्स गो मेलो बन गया। लव नहीं, लव नहीं बन रहा, वेल बन रहा है भाई, वेल वेल नहीं बनाया मैंने अभी तक, वेल बन गया भाई। वर्ड्स तो बहुत सारे बन रहे हैं, अपने पास सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड्स बचे हैं और मुझे थोड़े बहुत और वर्ड्स बनाने जो कि मुझे नहीं लगता मेरे को कुछ इसमें मिलने वाला है। वेल बना दिया, आउल बना दिया, लो बना दिया, मेलो बना दिया, लीमो बना दे क्या, लीमो कुछ होता नहीं वैसे। ओके क्लास खत्म हो चुकी है, हम लोग फेल हो गए, मैंने एटलीस्ट पासिंग मार्क्स का तो कर ही दिया था भाई, ये बहुत गलत बात है। ठीक है नेक्स्ट क्लास में कर दूंगा मैं, थोड़ा रट के आऊंगा, तीन चार वर्ड्स तो मैंने कर ही दिए थे, नेक्स्ट टाइम थोड़ा अच्छे से मैं कर दूंगा। लाल अभी अपना नेक्स्ट कुछ तो मिशन है, थोड़ा ब्रेक मिला है, चल के कोई ना कोई मिशन ही कराते हैं भाई। इस बारी मुझे जाना है शायद से बॉयज डॉम में, यस मुझे बॉयज डॉम में जाना है यहाँ से राइट साइड में। दोपहर के 4 बजने वाले हैं भाई, अभी तक भाई हॉस्टल चल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है लास्ट क्लास थी या क्या सीन है। ओके ठीक है तो यहाँ पे अपना नेक्स्ट मिशन जिसका नाम है स्लिंग शॉट। ओके वापस गैरी आ चुका है भाई, भाई गैरी का प्लान है किसी स्कूल का सबसे बड़ा डोन बनना है। ये पता कैसा बनना है, ये भले पावरफुल नहीं है, भले कुछ नहीं है, ये बहुत ज्यादा शार्प माइंड वाला है, ये कुछ तो करने वाला टीम बना के। ओ भाई दम बोल रहा है भाई, भाई इसने हम दोनों के बीच लड़ाई करा थी बेमतलब। ओ भाई ये गैरी सच में बहुत ज्यादा वो है, मतलब इसका प्लान है कि हम दोनों मिलके कुछ बहुत पावरफुल बन जाएं और फिर उसके बाद इस पूरे स्कूल के सबसे बड़े डोन हम दोनों बन जाएं, ना कि वो सारे तगड़े बंदे। बाकी अपने पास स्लिंग शॉट है और ये हमें कहीं तो लेकर जाने वाला है, शायद किसी से पंगे वंगे करवाने वाला है। ये खुद तो कुछ करता ही नहीं भाई, हमारी लड़ाई करवाते रहता है काली पीली बाकी बंदों से। एक तो इतनी पूरी ताकत लगा के भाग रहा है तब भी मैं इससे तेज भाग सकता हूँ, ये देखो। अच्छा अच्छा लगा ले रेस भाई, कहाँ जाना है हमें। ओके तो ये हमारी प्रैक्टिस करवा रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि तुम्हारे ना दम है तो इस बस के शीशे तोड़ के दिखाओ। एक तोड़ दिया, ये दूसरा तोड़ दिया, तीसरा तोड़ दिया, ये भी तोड़ दिया, ये भी तोड़ दिया, हो गया अभी। अरे फुटबॉल फील्ड में का लेके जा रहा है भाई, क्या हो गया यार, मुझे समझ नहीं आ रहा है भाई आखिर हमसे क्या करवाना चाहता है, बट कुछ तो मैटर होने वाला है मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे फील आ रही है भाई अभी कुछ तो तगड़ा होने वाला है। एथलेटिक्स वालों के एरिया में लेकर आ चुका है जहाँ पर सारे खतरनाक, नहीं 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 मैं कुछ नहीं कह रहा, मेरे को ये लेकर आया, मेरे को इसके साथ जाने दो भाई। यहाँ पर वो जो सबसे डेंजर वाले बच्चे है ना स्कूल के, वो रहते हैं, वो हमेशा खेलते कूदते रहते इधर, और अभी हमें वहीं लेकर आ चुका है। और ये कह रहा है कि मुझे इस पेड़ पे जाके छुपने, क्या पेड़ पे चढ़ना है। ओके ठीक है, क्लाइम द ट्री एंड वेट फॉर फुटबॉल प्रैक्टिस। तो मैं पेड़ पे चढ़ चुका हूँ और जब फुटबॉल प्रैक्टिस होगी तब यहाँ पर हम लोग कुछ तो हरकत करने वाले हैं। ओ भाई 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 भाई, मैं भी यहाँ पर जो स्कूल के सबसे डेंजर बंदे हैं ना उनको मारने वाला हूँ। ये देखो मैंने अपना स्लिंग शॉट से खोल लिया और अरे एक सेकेंड, चलो गाइस अभी हो चुका है बहुत खतरनाक मैटर। मैं इस पेड़ पे चढ़ चुका हूँ जहाँ पर अभी कोई नहीं आ पाएगा और मैं मारने वाला हूँ इन स्कूल स्टूडेंट्स को। बाय द वे स्कूल स्टूडेंट्स नहीं है, ये हॉस्टल के एकदम टॉप बॉयज हैं जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक है। और अभी इधर ले, इधर आ ले, ले सबके बजाना भी मुझे ऐसी। ये आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, यहाँ पे पड़ी इसके पड़ी मरा। ओ भाई भाई गैरी सच में भाई दिमाग लगा के किसी को भी मार सकता है, सब बेचारे प्रैक्टिस वार्म अप कर रहे हैं उनके मैं पत्थर मार रहा हूँ ऊपर से। ले 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 गया भाई, सबको गिरा दिया भाई मैंने, लेट्स गो। क्या हिसाब है भाई, अभी मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने पहले दूसरे दिन ही स्कूल के सबसे पावरफुल बच्चों को मार दिया। चलो भाई अभी बस ना यहाँ से चुपचाप मैं निकल लूँ, क्योंकि इधर कुछ ऐसे जिम विम वाले टीचर हैं, उनको पता चल गया कि ये कांड मैंने ही करा है तो भाई गलत ही लड़ाई हो जाएगी अपनी और पीट देंगे भाई सारे मिलके मुझे। और गैरी को देख रहे हो कितना चंट है, हमें समझा गया कि कैसे पेड़ वेड़ पे चढ़ के मारना है इन सबको और खुद भाग गया। भाई मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, मैं थोड़ा टीचर वीचर के साथ रहूंगा ना तो बच्चे मेरे को तंग नहीं करेंगे। बाकी अभी ना यहाँ पे दो मिशन और हैं, या तो मैं चलकर सो सकता हूँ या फिर मैं इन मिशन को कर सकता हूँ
एक मिनट यहाँ पर अंदर चल के देखते हैं। इधर से कोई शॉर्टकट रास्ता मुझे दिखा रहा है आगे की तरफ में जाएगा। ओ भाई इधर तो डॉगी है, पिटबुल आई 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 अमेरिकन बुली खा जाएगा मेरे। ओ पैर में, और तेरी ऐसे की तैसी पैर में काट रहा भाई। मैंने थोड़े से गलत साइड पे आ गया, मुझे चुपचाप सीधे रास्ते ही जाना चाहिए। बॉयज डॉर्म में चलते हैं भाई, क्योंकि स्कूल अभी ओवर हो चुका है, अब कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अभी सोने का टाइम हो चुका है जाकर। अपना एक मिशन यहाँ पे लाइब्रेरी में भी दिखा रहा है और एक मिशन है सामने जाकर। तो अभी लाइब्रेरी हम लोग कल चलेंगे, फिलहाल अभी चलते हैं बॉयज डॉर्म में। ये शॉर्टकट रास्ता भाई जाने का, दीवार टाप के आ जाओ यहाँ से। सीधा हम लोग आ गए अभी बॉयज डॉर्म में, चलकर अंदर देखते हैं भाई क्या सीन है। मेरे को लग रहा है वापस से गैरी आने वाला है, कुछ ना कुछ हमें उसे हेल्प ही चाहिए होगी। मिशन का नाम ही है लिटिल हेल्प, इसको क्यों परेशान करते रहता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम दोनों की लड़ाई होने वाली है, बहुत ज्यादा खतरनाक। अभी ये सॉरी बोल रहा है, अभी चिल हो गया सीन। होमलेस का भाई ये कहाँ लेकर जाना चाह रहा है हमें। लुक फॉर द होबो बिहाइंड द ओल्ड स्कूल बस। उस ओल्ड स्कूल बस के पीछे शायद से कोई होमलेस बंदा रहता है, तो मतलब कोई भिखारी रहता है, हमें शायद से उसके पास जाना है अभी। पता नहीं भाई ये गैरी को ये सारी चीजें क्यों पता है और ये हमसे क्यों करवा रहा है, बट ठीक है। इसकी जो प्लानिंग है वो यही है कि हम दो तीन दोस्तों को मिलके इस स्कूल को रूल करना है। यहाँ पे फुटबॉल पड़ी है, किसी के दे दूं क्या? ये ले। ओ सॉरी सॉरी, सर ने देख लिया भाई, गलती से मारी है मैंने, कसम से गलती से लगी है भाई। वे यार मेरे को थोड़ी देर ना छुपना पड़ेगा, एक मिनट रुक जाओ, इसके अंदर बैठ रहा हूँ। ये लो, किसी ने कुछ नहीं देखा भाई। वो सर थे तो सामने, बट उन्होंने शायद से नहीं देखा। वो आ रहे, मैं भी निकल जाता हूँ, अभी मैं सेफ हूँ। इतनी देर में मामला एकदम इजी हो गया। चलो अभी हम लोग चलते हैं स्कूल के पीछे, यही ये स्कूल बस के पीछे। यहाँ पे ही रहता है वो होमलेस गाय। हम लोग आ चुके हैं इसके पास, यहीं पे कहीं वो रहता था बट अभी दिख नहीं रहा यार। इस स्कूल में क्या क्या जगह बनी हुई है भाई, समझ ही नहीं आ रहा है। ओ भाई आगे आगे आगे, ईंट लेके आया भाई। ओ भाई वो दोनों भाग गए भाई, कह रहे हैं ऐसे चले जाओ ना मार देगा भाई। भाई ये हमसे अल्कोहल या ड्रग मार रहा है। ये हमारे ऐसे गट्स देख के बहुत खुश हो गया कि हमारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से है। ओ भाई फाइंड अ ट्रांजिस्टर, ये हमें फाइटिंग स्किल सिखाने वाला है, क्योंकि शायद से कुछ ऐसे पहले रहा होगा, बट ठीक है। अभी हमें इसके लिए एक ट्रांजिस्टर ढूंढ के लाना है भाई। रात हो चुकी है पर जिम्मी को फिर भी ऐसे मिशन चोरी वोरी सब करने हैं। मैं इस जगह से बाहर तो आ चुका हूँ, बट ट्रांजिस्टर कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, मुझे मालूम पड़ चुका है। ट्रांजिस्टर के लिए मुझे स्कूल की दूसरी बैक साइड पे जाना है और यहाँ पर तीन चार बंदे आ चुके हैं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, पंगे उतरी ऐसी की तैसे, तुम्हारी ऐसी की तैसे, तीनों को एक साथ मारूंगा। ओ भाई ओ भाई ओ, एक मिनट रुक जाओ, जय इधर आ, एक मिनट रुक जाओ। ये ले बोल फालतू, ये ले मेरे से फालतू जो बोलेगा बेटा यही कर दूंगा। स्लिंग शॉट भी है मेरे पे, एक सेकंड, ये ले ले, तू इधर आ बेटा। अच्छा वो मार रहा है स्लिंग शॉट, इसके बजाना पड़ेगा। रुक जा अब इसके देता हूँ मैं मुक्के। बोल अब फालतू भाई, बहुत ज्यादा मार पीट दिया इन लोगों ने मेरे को और मेरी हेल्थ बहुत कम हो चुकी है, बट ठीक है। जैसे ऐसे मेरे को ये बीम कोला मिलेगा, मेरी एनर्जी बढ़ जाती है। बाकी यहाँ पर थोड़ा सा दूसरी साइड पे चलते हैं, शायद से ट्रांजिस्टर यहीं कहीं पे पड़ा होना चाहिए। काश मेरी अभी और फाइट ना हो बस, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास फायर क्रैकर्स थे जो कि मैंने केमिस्ट्री क्लास में बनाए थे, तो वो मैंने इनके फेंक फेंक के मार दिए। ट्रांजिस्टर मुझे मिल चुका है, मुझे उन अंकल को ट्रांजिस्टर ले जाकर देना है, फिर वो मुझे फाइटिंग मूव्स भी सिखाएंगे। ठीक है भाई, अब पता नहीं फाइटिंग मूव्स सिखाएंगे क्या सिखाएंगे, उन्होंने बोला था कि मैं तुम्हें कुछ सिखाऊंगा। लेट्स गो, अभी फटाफट हम लोग वापस चलते हैं स्कूल बस के पीछे। रात के टाइम पे भाई पूरा स्कूल खाली नहीं हुआ, बच्चे घूम रहे हैं यार, अभी भी पढ़ाई वढ़ाई करते रहते हैं कर रहे हैं। बट हाँ मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ एक टाइमिंग हुआ जब सब बच्चों को अपने अपने रूम में जाना पड़ेगा। बाय द वे मेरा ट्रांजिस्टर, इसको मैंने ला के दे दिया है। ओके तो ये अभी मुझे कुछ फाइटिंग मूव सिखा रहा है, लेट्स गो। तो पहले मुझे होल्ड करके मारना है यू ऐसे, ठीक है मैं मार सकता हूँ। ये ले, ओ भाई पड़ा, मैं थोड़ा पावरफुल हो जाऊंगा इसकी मूव सीखने के बाद। अपर कट अनलॉक हो गया अभी अपना, ठीक है भाई हमें इसके लिए काम करते रहने, अपने मूव अनलॉक होते रहेंगे। तो जैसे अपर कट मारने के लिए मुझे ऐसे होल्ड करके रखना है। अरे रुक जा अभी तो सीख गया। ओ तेरी तेरी ऐसे, तू भी गिर जाते। अब बोल अब इसके अपर कट देते हैं। ये रुक जाओ, ये ले अपर कट, ये ले भाई बहुत ही तगड़ा है वैसे, तेरे को भी चाहिए अपर कट। तेरी ऐसे की स्लिंग शॉट, स्लिंग शॉट मारेगा, निकल यहाँ से। ओ भाई क्या मार है भाई, बारिश वारिश होने लग गई है, टीचर वीचर यहाँ पर घूम रहे हैं। फटाफट से चलते हैं सोने, सोने का टाइम हो चुका है भाई, लेट्स गो। आज तो हमने भाई सही में बहुत ही ज्यादा ड्रामे कर दिए, मतलब ड्रामे नहीं, हमने आज बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करा भाई फाइट वाइट में। क्या ठीक है अभी मैं आ चुका हूँ स्कूल में, यहाँ पे टीचर वीचर चल रहे भाई, ये क्या कर रहा है किसकी खिड़की पे। अरे इधर आ चल, ले निकल यहाँ से, काली पीली पंगे ले रहा है। अंदर जा रहा हूँ अंदर, मैं ताजी अंदर आ गया, अंदर आजा, अंदर नहीं आया, अंदर बच गया बेटा, आ जाता तो मारता भी। ये आवाज कहाँ से, चूहे घूम रहे हैं भाई, चूहा, अबे चूहे घूम रहे हैं वॉश रूम में, पकड़ पकड़, चूहे को मारना पड़ेगा। ये ले चल निकल यहाँ से, चल निकल यहाँ से। चलो भाई अभी अभी सोने
चलते हैं, आज बहुत ज्यादा बच्चों को परेशान कर दिया मैंने। बाकी यहाँ पर मैं एक्सपेरिमेंट्स कर सकता हूँ क्या? ओह वेट, अगर मैं यहाँ पर ये सारी चीजें करूंगा तो ये देखो मुझे फायर क्रैकर्स और मिल जाएंगे, तो थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंट कर दूं क्या? मतलब एक्सपेरिमेंट नहीं करना, मुझे यहाँ पर ऐसे केमिकल्स के साथ बनाना है। चलो आज का दिन इतना ही था, फटाफट से हम लोग चल के सोते हैं प्यार से एकदम। तो चलो गाइस आज के इस वाली वीडियो में इतना ही। आई होप आपको बुली सीरीज में बहुत मजा आ रहा होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो जाके यार वीडियो को लाइक कर दो। इस वीडियो पर एम करते हैं 5 लाख लाइक के लिए, तो जल्दी से जाके लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो ताकि नेक्स्ट एपिसोड जल्दी से आए। और हाँ, जो लोग भी चैनल पर न्यू है, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, जल्दी से जाके दबा दो ऐसी मस्त मस्त गेम प्ले सीरीज देखने के लिए। बाकी आज के वीडियो में इतना ही, मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।